न्यूज़ चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांव नीमका में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सही ढंग से कार्यवाही नहीं कर रही, जबकि जांच अधिकारी का कहना है कि वो इसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल का है, जहां पर घायल युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। परिजनों की माने तो उनके गांव में पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते पहले तो युवक की पत्नी के साथ घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई और अब उसके बेटे के साथ मारपीट की गई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही साथ परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए गंभीर को अस्पताल में भेजा और उसको इलाज के लिए भर्ती कराया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। गाँव का दूसरा पक्ष उनको लगातार परेशान कर रहा है और आए दिन उनके साथ मारपीट हो रही है। नीमका गांव का मामला है, दोनों पार्टियां लड़ाई झगड़े का मामला है, चोट लगी, दोनों साइड से कंप्लेंट आई हुई है जी, जिसकी केस खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो जो बच्चा है वो काफी सीरियस है और हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या पुलिस की तरफ से कोई उचित कार्रवाई अब तक नहीं की गई? ना ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लेंट अभी दी है, कंप्लेंट दी है। क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, मारपीट हुई थी दो बच्चों के साथ, क्या था पूरा मामला? पहले जी 2 साल से लड़ाई चल रही है जी, और मेरे को चोट मार दिया घर में आके और मेरे को रोड पड़ी हुई है मुंह पे जी, और मेरे बच्चे को आज अकेले में 1 बजे गए थे, थोड़े चले इतने दोनों बेटा को मार दिया है। तो किस बात की रंजिश थी जो इतनी बुरी तरीके से बच्चों को पीटा है? ऐसे ही करते हैं जी, खेतीबाड़ी की चल रही है जी, खेतीबाड़ी में हिस्सा देना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, लड़ाई झगड़े का मामला आया है, दो बच्चों को मारपीट करी है, एक ज़्यादा सीरियस है, क्या था पूरा मामला, कहाँ का रहने? हाँ जी, ये 1 बजे हमारे पास आए थे कैजुअलिटी के अंदर, जमीन का गांव में इनका कोई झगड़ा हुआ है, बिल्कुल पुराना कोई झगड़ा चल रहा है इनका जी, उसमें से एक पेशेंट है उनको सर में ज़्यादा चोट है और स्वेलिंग भी काफ़ी आई हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट एड वगैरह दे दी है, स्टिचिंग वगैरह कर दी है पेशेंट को जी। तो बाकी हमें अभी पुलिस को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं जी। तो काफ़ी सीरियस है, फिर अब तक पुलिस नहीं यहाँ पहुँची है? नहीं, देखो पुलिस को अभी इन्फॉर्म किया है, हम कर रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्म, ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशन खराब है थोड़ा, सर में चोट है। अगली खबर की ओर, बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे 2 पर ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के चलते ट्रैफिक पुलिस के SI कुमार पाल ने लोगों को मास्क के बारे में जानकारी दी, साथ ही उन्हें चेताया कि यदि वो मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके चालान दिए जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे 2 का है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। सबको जानकारी दी और कहा कि घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, मास्क लगाएंगे तो ही आपकी सेफ्टी है, नहीं तो उनके चालान काटे जाएंगे। इसके कोई भी ऑटो वाला या किसी को भी हमने मास्क वितरित किए हैं, जिसमें लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और जो सरकार के आदेश हैं कि भाई मास्क पहन के, बिना मास्क पहने घर से नहीं निकलना है, हम खुद पालना कर रहे हैं और जो सवारी हैं ऑटो में बैठने वाली, 2 से ज़्यादा नहीं बैठने दे रहे हैं और सबों को मास्क, जिन पर नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी इसमें बहुत सहयोग कर रहा है और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। अभी उन्होंने भी मास्क बांटे हैं और कल भी बांटे थे और आगे भी बांटते रहेंगे, जैसे आगे से आदेश आते रहेंगे उनकी पालना करते जाएंगे। लोग मान रहे हैं? हाँ जी, अब तक तो जो लोग मिले हैं हमको सब मान रहे हैं और जैसे उनसे कहा जा रहा है और सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक सब चल रहे हैं। जैसे कुछ ये है कि जो विगत यही है, देखो जो COVID-19 को देखते हुए सरकार के जो आदेश हैं, भाई घर से बाहर अगर निकलना है तो मास्क लायक निकलना है, उन लोगों को समझा रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी हम दे रहे हैं। क्या लोग मान रहे हैं? हाँ, कुछ हैं ऐसे जो जिनके पास मास्क नहीं है और वो कहते हैं जी घर भूली आया या लगाऊंगा, तो उनको हम मास्क दे रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन जो बगैर मास्क के घर से बाहर निकले उनको 500 रुपये का चालान किया जाएगा, क्या अभी तक कोई चालान किया गया? नहीं, अभी हमने तो ऐसा कोई चालान नहीं किया, अभी समझा रहे हैं लोगों को, चालान तो नहीं किया, सरकार की हिदायत तो है, लेकिन यही है कि अभी ज़्यादातर समझा रहे हैं। लोगों कितने मास्क बांटेगा? चलिए
खबरों में बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बांदा में लॉकडाउन में फंसे पति के घर वापस न लौटने पर पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने महिला को आगे रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही महिला के परिवार में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के तिंतवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुजरक गांव का है, जहां एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन महिला की हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एक अभी हमारे पास भुजरक गांव से एक महिला मृत अवस्था में लाई गई है, तिनवाई थाना के अंदर रखा है और इसको पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए जो है मुर्शिदाबाद लौटा दिया गया है। उनके परिजन बता रहे हैं कि ये कोई जहरीला पदार्थ खाया है, उससे इसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद हकीकत का पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। बुआ जी बताए कि जहर खा लिया। अच्छा, क्यों खाया, क्या कारण था? भाई वो हमारे भाई बाहर रहते हैं तो उन्हीं के जाने आने के वो रहते थे, वो आ नहीं पाए, लॉकडाउन में फंसे हुए। अच्छा, क्या करते थे भाई? गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। फरीदाबाद सेक्टर 8 में पिछले 4 दिनों से लड़की के लापता होने का मामला छाया हुआ है, जिसके चलते सेक्टर 7 थाने में इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसका कोई पता नहीं लगा सकी। जब इस बारे में स्टेट क्राइम ब्रांच के अधिकारी अमर सिंह एसआई से संपर्क किया तो उन्होंने इसके साथ मिलकर लड़की को पलवल से ढूंढ निकाला। अब बच्ची अपने परिवार वालों के साथ है। लड़की के घर लौटने की वजह से परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथियों, आज ये एक वीडियो वायरल की थी, वीडियो क्या फोटो वायरल किया था एक बच्ची का, रचना जो कि थोड़ी मंदबुद्धि थी, काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे सभी जगह वायरल हो गई थी। तो उस बच्ची को क्या नाम है, उसका परिवार मिल चुका है। आपसे अपील है उसको क्या नाम है, आगे शेयर ना करें। और परिवार जो कि 4 दिन से बड़ा परेशान था, 4 जून को लापता हुई थी, आज 8 जून है तो आज ये बच्ची मिल गई है, तो इसको आगे शेयर ना करें। मैं परिवार से बात कराया था, उनको कैसा महसूस हो रहा है, पहले कैसे परेशान थे, आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। जो भी लोग जहां भी मिसिंग बच्चों की क्या नाम है पोस्ट देखते हो, आप लोग सभी लोग शेयर करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद जरूर करेंगे। एक बार भाई से, मैं लड़के के भाई से बात कराया था, बच्ची को दिखाया था। ये कृष्ण भाई है बच्ची के। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णा सेक्टर 9 फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मेरे दोस्त संदीप अत्री जी ने इन सर से, एसआई सर से मेरे को मिलवाया और फिर हम सर के पास गए। सर ने मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया कि कृष्णा जी घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सर ने हमारी बहन को, मैं आपको कह रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है कि मैं घर पहुँचा ही नहीं था कि घर, जैसे ही घर पहुँचा उसके 1 घंटे बाद सर का फोन आ गया, कृष्णा जी आप आ जाओ, आपकी बहन मिल गई। अगली खबर की ओर। हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना 100 करोड़ के फ्रॉडी कुख्यात कैंडी बाबा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हां, ये कामयाबी फरीदाबाद सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच के हाथों लगी है। सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच इंचार्ज सुरेंद्र सिंह और उसकी टीम ने आरोपी बाबा को बदरपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी बाबा को क्राइम ब्रांच ने 10 दिन की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ जारी कर दी है। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही कुख्यात फ्रॉडी बाबा है जिसने लोगों से लगभग 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, जो पिछले 2 साल से हरियाणा पुलिस को चकमा दे रहा था। ये कैंडी बाबा के नाम से कुख्यात क्षेत्र के शरीफगढ़ क्षेत्र का रहने वाला राजेश है। राजेश अब कैंडी बाबा के नाम से मशहूर है क्योंकि ये अपने श्रद्धालुओं को कैंडी बांटता था, तभी से ये कैंडी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुलिस की सेक्टर 30 से क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े कैंडी बाबा पर फरीदाबाद के अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। स्टार्टिंग में शाहबाद में एक डेरा चला रखा था इसने, बाबा बड़भाग सिंह के चेला बना हुआ था और वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में भूत वगैरह भगाने का इस साहब का काम करता था, ये लोगों को ठगता था, उल्लू बनाता था उनको। उसके बाद इसने अपना डेरा बनाया शाहबाद में और वहाँ पे
अलग अलग तरह के करता था, कबूतर उड़ाने के, आग में से कबूतर निकालता था, इस टाइप के लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाता रहता था। फिर इसने क्या किया, एक दो जगह कई लोगों से बात की सोने वोने को लेके, तो इसने देखा कि लोग बड़े लालची भाई, लोग बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं और उनको लालच देके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो इसने लोगों को बताना शुरू किया कि नेपाल में मेरे जानकार और वहाँ से मैं तस्करी से, चीन से तस्करी होकर नेपाल में सोना आता और मैं वहाँ से आपको सस्ते दामों पे सोना दिला सकता हूँ। ये 22 लाख रुपए के हिसाब से एक किलो के सोने का लोभ देता था। तो स्टार्टिंग में इसने कुछ लोगों से जैसे पैसे उठाए और उनको 10-15 दिन में कुछ 2-4 लाख रुपए बढ़ा के दे दिए। जैसे मान लो किसी से 10 लाख रुपए उठा लिए, उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद 2 लाख रुपए ज़्यादा दे दिए। तो इस तरह से इधर से पैसे उठा के लोगों को उधर देने लग गया और इस तरह से करता रहा। तो इसके बाद जैसे लोगों को लालच बढ़ता गया, जिस आदमी को 10 दिन में 15 दिन में 1-2 लाख रुपए ज़्यादा मिल गए, वो अगली बार और अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से उन्होंने पैसे उठा के और देने शुरू कर दिए। जब इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए लोगों से, तो इसने अपने फरार हो गए। फिर तो इसके खिलाफ हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगभग 20-30 मुकदमे पूरे हरियाणा में इसमें दर्ज हैं। फरीदाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज है जिसके अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपये इसने लोगों से ले रखे हैं। तो इसको हमने शनिवार को अरेस्ट किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा बाल संबंध में मंडी बोर्ड के सचिव के द्वारा की पिटाई की गई, साथ ही साथ सरकारी काम में बाधा डालने और बंदूक की नोक पर झूठा समझौता लिखवाने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट सहित उनके साथ गाड़ियों में चल रहे गुंडों को भी गिरफ्तार करने और सचिव पर झूठी FIR वापस लेने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हिसार में उपायुक्त कार्यालय हिसार के सभा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिसार जिले के सभी ब्लॉकों के सभी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला के वरिष्ठ उप प्रधान राजेश बागड़ी व संचालन जिला सह सचिव अशोक सैनी ने की, साथ ही साथ उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के CM के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी में जहां प्रदेश का कर्मचारी अपने कर्तव्य को सही ढंग से उसका पालन कर रहा है, वहीं इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमने आज यहां सर्व कर्मचारी संघ के साथ धरना दिया है सोनाली फोगाट को गिरफ्तारी के लिए। यहाँ पर सभी भाई हमारे साथ इकट्ठा हैं, एकजुट हैं, और एकजुट होने से ही ताकत बनती है और ताकत से ही हम अपने मतलब न्याय लेने में कामयाब होंगे। हम न्याय का तो सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है। सारे सबूत सामने होने के बाद भी उसको 5-6 दिन होने के बाद होने तक भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और बार बार कभी ऑडियो का भय दिखाया जा रहा है, कभी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपये ले लिए, कभी कुछ। तो हम इन झांसों में आने वाले नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, उसने सरकारी अधिकारी के साथ मारपिटाई की, षड्यंत्र के तहत ही यहाँ हिसार से उसको बारसमंद ले जाया गया, अपने गुंडों से पिटाई करवाई, सरकारी कार्य में बाधा डाली और डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लंघन किया एक्ट का। हम इन कार्यों में उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, कल हमारे यहाँ महिलाओं की चेयरपर्सन आई थी, उन्होंने भी महिला होने का फर्ज अदा नहीं किया। ये एक संवैधानिक पद है, इसमें पार्टी से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। हम उनसे प्रार्थना करते हैं। वीडियो पहले की हो सकती है, पर करण हुए 4-5 दिन हो गए, आज तक वो जारी क्यों नहीं हुई? हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये संगठन सर्व कर्मचारी संघ महिलाओं का भी सम्मान करता है, अगर किसी की गलती है उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, अगर उसमें कोई एडिटिंग वगैरह करके, क्योंकि 4 दिन के बाद भी ऑडियो 3-4 और आ चुके, कल भी एक ऑडियो आया है, हमारे साथी हमारे बीच में है, वो ऑडियो मारपीट का 1.5 घंटे का साथी बता रहे हैं। क्यों नहीं किया जा रहा सोनाली फोगाट जी की तरफ से वो ऑडियो जिसमें उन्होंने बदसलूकी महिला के साथ करी है? हम निश्चित तौर पे सर्व कर्मचारी संघ महिलाओं का भी सम्मान करता है, अगर कहीं सेक्रेटरी की गलती है तो हम महिला के भी साथ हैं उस नेत्री के साथ, लेकिन छुपाया कुछ नहीं जाना चाहिए, बनावट कुछ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ अकेले मंडी बोर्ड के कर्मचारी पे ये हमला नहीं, तमाम प्रदेश का कर्मचारी इस कोरोना की महामारी में अपनी जान की बाजी लगा के
सरकार के साथ तन मन धन से अपना जनता की सेवा कर रहा है। हम निश्चित तौर पर ऐसे प्रकरण की निंदा करते हैं और जैसा भी आज के प्रदर्शन के बाद, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ आज पूरा जिला हेडक्वार्टर पे प्रदेश के इस प्रकार के प्रदर्शन, इस प्रकरण के में जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कर रहा है, आगे भी स्टेट कमेटी जिस प्रकार का भी फैसला लेगी हम निश्चित तौर पे इस प्रकरण में। विश्वदाय इमारत ताजमहल पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है, पर इन दिनों कोरोना संकट के चलते ताजमहल वीरान है। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल पर रोजाना हजारों पर्यटकों की भीड़ रहती है, जिससे ताजमहल गुलजार रहता था, पर अब ताजमहल सुनसान पड़ा है। कोरोना संकट के चलते ताजमहल पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा समय से बंद है। ताजमहल के जिन गेटों पर ताज दीदार के लिए कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, वह आज वहां वीराना है। जिन टिकट की खिड़कियों पर लाइनें लगी रहती थी, टिकट की उन खिड़कियां भी वो सब बंद पड़ी हैं और वहां सन्नाटा पसरा है। ताजमहल के आसपास बने बाजारों में रौनक रहती थी, वहां पर भी अब सन्नाटा है। ताजमहल के साए में बसे रोजगार भी इन दिनों बंद पड़े हैं और लोग बेरोजगार हैं। ताजमहल दुनिया से आने जाने वाले पर्यटकों को देखता था और साथ ही यहाँ के लोगों को वो रोजगार भी देता, पर इन दिनों ये सब कुछ बंद पड़ा है। ताजमहल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने वाले लोगों की ने सरकार से गुजारिश की है कि वो एक नया नियम लागू करे ताकि ताज फिर से गुलजार हो सके और उनकी रोजमर्रा की जो कमाई है वो भी चल सके और वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। बिल्कुल, रोजगार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और टूरिस्ट लाइन खास करके पूरी तरह ध्वज हो गई है, क्योंकि ये 3 महीने का पीरियड इतना खतरनाक हुआ है। जो 85 दिन ताजमहल बंद रहा है, 17 मार्च को बंद हुआ था, 17 मार्च से अब तक बंद है लगातार, तो इसमें ज्यादातर जो पर्यटन व्यवसायी हैं वो भुखमरी के कगार पे आ गए। इसमें गाइड हैं, रोड गाइड हैं, एस्कॉर्ट गाइड हैं, वैसे गाइड हैं, दूसरे फोटोग्राफर्स हैं, तमाम 50 तरीके के लोग हैं इसमें, एम्पोरियम वाले हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है, इतनी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई कि इसमें करीब 8.5-9 लाख आदमी जुड़ा है सर से, और ये व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया, लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो हाल के हाल खाते हैं और हाल के हाल कमाते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो बेचारे दूसरे से मांग रहे हैं और मांग करके काम चला रहे हैं, और अब तो ये हालत है कि लोग उसको देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हालत बहुत बुरी तरह है। अब तक जो है सबसे बड़ी बंदी देखी जा रही है ताजमहल की बंदी, ये पहली बार हुई है। बंद हुआ 1 हफ्ते के लिए, हुआ सफाई के दौरान, हुआ 88 में, इसके बाद अभी बीच में बंद हुआ 1971 में, तब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय हुआ, लेकिन ऊपर खाली काली चादर डाल दी गई थी और लोग ताजमहल आराम से निहार सकते थे। ऐसी बंदी कभी नहीं देखी कि 3 महीने तक बंदी रही हो ताज की, जो इस बार हुई है, और इस बार की बंदी से वाकई लोग हाहाकार मचा उठे हैं और लोगों को बहुत बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है, और खास करके व्यवसायियों को इसमें तोड़ के रख दिया है। चलिए खबरों में बात करते हैं अब आगरा की। आगरा में कोरोना वायरस से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही एक नया परेशानी का कारण बना है चोरी का ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, चोरों ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है। अब नया मामला आगरा से सामने आया है। चोरों ने थाना ताजगंज शिल्पग्राम के नजदीक नथा नगर में चोरों ने मकान मालिक और किराएदार के घर को निशाना बनाया। मकान मालिक टैक्सी ड्राइवर किशन गोपाल अपने परिवार के साथ छत पर सोया हुआ था। सोते समय चोरों ने घर पर धावा बोल दिया। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आहट नहीं सुनाई। वो सभी अक्सर 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन उन्हें ना तो अलार्म बजने की कोई आवाज सुनाई दी और ना ही घर में किसी भी तरह की कोई आहट, जिससे उनका अनुमान है कि शायद चोरों ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके कारण वो आसानी आराम से सोते रहे और चोर पूरे घर पर आसानी से हाथ साफ कर गए। सुमन गुप्ता। हाँ, कहाँ गए थे आप लोग? हम गए थे फूप प्रॉपर फूप बेंड जिला। काहे के लिए? अब मेरे पापा की तबीयत सीरियस ज्यादा, एकदम बोल बंद हो गया था, इस वजह से फिर एकदम एक फोन आओ जिनसे फोन करो एगो कि चोरी हुई गई। कल ही तो गए ही 11 बजे,
अच्छा क्या क्या, क्या लेगा चोर आपके? बस पर्स भी नहीं लेगा, पर्स में से पैसे ही लेगा 30,000 रुपए। अच्छा पैसे निकाल के लाए थे आप? हाँ पैसे निकाल के जोड़ के रखे थे, अभी नौकरी के लाए थे, लॉकडाउन होएगा तो इन्हें की चलो धंधो कर लेंगे, फल को ठेल लगा लेंगे, निकाल के लिया बैंक में उसे। अच्छा मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए BVM न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।